हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी सिंध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है वसंत पंचमी का दिन, तो वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी प्रोग्रेस करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वसंत पंचमी के इस उपलक्ष्य पर ही मैं आज आपको ये सॉन्ग सिखाने वाला हूँ। सॉन्ग का नाम है ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के। सुपर हिट सॉन्ग है किशोर कुमार का, और मैंने इसको इतना इजी मोड में तैयार किया, बहुत ही आसान तरीके से इसे आपको सिखाने की कोशिश की है। तो बस आइए, लीजिए फ्लूट अपनी और बैठिए मेरे सामने और शुरू हो जाइए। अभी आपको मैं 5 मिनट के अंदर ये सॉन्ग सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो फटाक से कॉपी पेन उठाइए, आपकी जो रेगुलर कॉपी है उसमें ऐसा ऐसे लिख लीजिए, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी। छोटा सा सॉन्ग है, बहुत बड़ा नहीं, मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा कैसे इसको जल्दी सीखते हैं। तो इसको सीखने के बाद में इसको मैंने जो बनाया ना, सी शार्प माइनर या ई स्केल, सी शार्प माइनर का स्केल होगा या फिर ई स्केल होगा, दोनों सेम होते हैं। वो जब ऑनलाइन क्लास आप लगाओगे तो समझेगा कि वो कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इतना आपके लिए समझना जरूरी है कि ये मैंने ई स्केल में बनाया है। और आपके पास में जो भी फ्लूट होगी, चाहे वो सी की हो चाहे डी की हो, कोई भी फ्लूट आपके पास में हो, उस पर आप इसको आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि आपको नोट तो सिर्फ सारे गा पा नहीं सब फॉलो करना है, और इसमें सिर्फ एक कोमल नी और तीव्र म तो पता ही है आपको, और कोमल नी, ये सा, ये नी और ये ध, ध के बाद में ये कोमल नी थोड़ा सा ओपन कर देंगे तो बस इतना ही है, बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे नए व्यूवर्स के लिए स्पेशल, अब ये पुराने होंगे तो पता हो ही गया है कि हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी लिंक दी हुई है, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और फिर देखिए मजा आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सीखने में कैसी मजा आती है। और साथ में टेलीग्राम का हमारा चैनल भी है, उसको भी आप जरूर देखिए, उसमें काफी सारी नई नई इन्फॉर्मेशन में डालता रहता हूँ, तो आपको देख करके मजा आएगा। आप उस चैनल को शुरू से देखिएगा, बहुत सारी मैंने उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम का जो चैनल है उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। पहले मैं आपको ऐसा होगा कि लाइन सुना देता हूँ। ठीक है, तो सुनाने के बाद आपको एक आइडिया देगा कि इतना मस्त सॉन्ग है। देखिए, मेरी फिंगर्स को फॉलो कर सकते हैं। पंख लगा के गगा मरे गमा,
मार तीव्रमा है। इस सॉन्ग को आप सैक्सोफोन पे बजा सकते हो, इसको आप वायलिन पे बजा सकते हो, हारमोनियम पे बजा सकते हो, माउस ऑर्गन पे भी बजा सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप इसको बजाइए, मजा आएगा, बिल्कुल सेम नोटेशंस लगेंगे आपके। चलिए अब इसका अंतरा अंतरा भी मैं आपको पहले सुना देता हूं। अंतरा में क्या है ना, कोमल नी लगा हुआ है, जिसे आप हारमोनियम पे तो बहुत अच्छे से बजा सकते हैं, कोमल नी लगा हुआ है तो बस बाकी सिंपल है। अब कैसा सुनाते हैं, पहले सुन लेते हैं। महक रहा रे तेरा गजरा, सनी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे गा रे सा रे रे गा। देखिए सनी नी दा कोमल नी, सनी नी दा देखिए जब आपको याद हो जाए तो उसको कंटिन्यू हो जाना तो आ जाएगा तुरंत, है ना। अब फिर ये भी सेम लाइन है, बस यहाँ लास्ट में चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। ओ अजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा कजरा, लास्ट में पहले यहां क्या है रे रे का बजेगा तो कैसा होगा, और रेगा रे बजेगा तो कैसा होगा, पहले में आपको तो दिखेगा कि सुर ऊपर जा रहा है और दूसरे में ऐसा लगेगा कि सुर नीचे आ रहा है, देखिए, और दूसरा तो फिर क्या करना है, इसको आप दो लाइन को आप दो बार बजाएंगे, और दो बार बजाने के बाद में क्या करना है, ओ हंसिनी फिर से वही रिपीट होगा, तो है ना, तो वो कि नहीं, ये आसान एकदम आसान है, इसको आप तुरंत जल्दी से जल्दी आप सीख लीजिए और बताइए कमेंट करके मुझे कैसा लगा। और यदि आप में से किसी को भी लगता है कि मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि जिससे आपका फ्लूट सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है मेरा। ओके दोस्तों, थैंक यू।